हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग सब? या मैं दिस इज अपना हियर वंस अगेन। सो आज मैं एक नए जैसे एक आउटलेट देख पा रही, यंग इंडियंस चाय का अड्डा, और ये एक फ्रेंचाइजी आउटलेट है। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि बड़ौदा भी जो है जैसे मोमोज और चाय के लिए काफ़ी मतलब जैसे फेमस यानी कैपिटल हो रहा है, तो हम देखते हैं आज इसके बारे में। फ्रेंड्स चलिए अंदर चलते हैं। जैसे देख पा रहे हैं जैसे काफी यूनिक सा उन्होंने कंसेप्ट किया, जैसे सीट्स वगैरह बैठना, जैसे टायर्स से मॉडिफाई किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं नहीं कितना ही आर्टिस्टिक और ये मतलब यूनिक वे में इन लोग ने प्रेजेंटेशन की है। और अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। जैसे फ्रैंकीज है, प्राइस रेट्स ये सेम लिखा हुआ, यही प्राइस रेट्स अप्लीकेबल है। जैसे कोई भी मतलब बड़े बड़े आउटलेट्स में जाते सब जानते हैं कि प्राइजेस काफी मतलब जैसे प्राइस ही होती काफी महंगे होते हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। देख पा रहे जैसे यंगस्टर्स के लिए है, जो मतलब आज जो कॉलेज गोइंग पीपल्स, तो काफी उनके लिए तो अच्छा है। और इवन जो वर्किंग क्लास भी है, जो नॉर्मल जाना आना भी करते हैं, जो खाने पीने के आते हैं, तो आपको मतलब यानी कम दाम में आपको काफी अच्छे यहाँ पे मतलब चीजें आपको मिलेंगी खाने के लिए। चलिए अंदर देखते हैं। ये देख पा रही ऑर्डर हियर का काउंटर है, और साथ में यहाँ पे मॉकटेल्स वगैरह का मैं देख पा रही हूँ। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? ओके, क्या आपका नाम? चिराग। ओके, तो आप यहाँ के ऑनर हैं यहाँ के? सो कितना टाइम से ये चल रहा है? ये अभी 20 दिन हुए इसको। 20 दिन हुए? यस। तो मैं जैसा बाहर देख रही थी फ्रेंचाइजी आउटलेट है ये, सो वेयर एग्जैक्टली इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है इनका? इसका ऑफिस डेली डेम है, उधर है, उसकी मेन ब्रांच फतेहगंज में है। अच्छा, मेन ब्रांच फतेहगंज का है? यस। और इनके जो मेन ओनर कौन है इनके? दीपक भाई। दीपक भाई, ओके। तो यानी मैं देख पा रही हूँ जैसे फ्रैंकीज वगैरह आपने सब रखा है, बाकी मॉकटेल्स वगैरह यहाँ पे आप रखा हुआ है। तो मॉकटेल्स यानी कौन कौन सा अवेलेबल है आपके पास मॉकटेल्स में? सभी, ऑल ओवर, जितना भी जैसे कोई नाम लिस्ट वगैरह हमको देखना हो तो? ब्लैक करंट, ग्रीन एप्पल। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो प्राइजेस के साथ पूरा लिखा हुआ है ये। ऑलराइट, फाइन। और बाकी इसमें जैसे ये स्पेशल जैसे मिट्टी का कप वगैरह है ना, तो ये क्या मतलब जैसे डिस्पोजेबल वाला है ये वाला? यस। ओके, जैसे काफी देखो अच्छा कंसेप्ट है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स एंड पेपर जो मतलब एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे, तो ये मिट्टी का है ना, अच्छा कंसेप्ट है, जो रिसाइक्लेबल भी और मिट्टी मतलब बोलते हैं ना मिक्स मतलब डिकम्पोज भी हो जाती है। ओके, काफी अच्छा लग रहा, सेल्फ सर्विस यहाँ पे ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे पेमेंट मोड्स कौन कौन सा आप एक्सेप्ट करते हैं इसमें? UPI, मतलब गूगल पे है, फोन पे, पेटीएम, एवरीथिंग। ओके, तो आपका ये फर्स्ट मतलब ये है आपका वेंचर है कि इसके अलावा पहले का जॉब? फर्स्ट है। ओके, तो आप कहीं वर्क वगैरह कर रहे थे पहले कहीं पे? यस। ओके, वेयर यू वर वर्किंग अलिया? मैंने इंजीनियरिंग किया है। वाओ, नाइस। मैंने इंजीनियरिंग किया है। हाँ, जॉब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने बिजनेस। सही बात है, अपना बॉस बनने का सुकून कुछ और ही है। तो आपने मतलब इंजीनियरिंग कौन से फील्ड में किया आपने? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वाओ, ग्रेट। यानी आप मतलब नेक्स्ट बिल गेट्स मतलब? सही है, सही है। और चाय वगैरह कौन सा रखते हैं इसमें? चाय से? चाय के हमारे पास 14+ फ्लेवर है। कौन कौन से? केसर, मसाला, जिंजर, पान, चॉकलेट, मतलब तुलसी जिंजर और ग्रीन टी, तीन टाइप की है। और जो लोग मतलब जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट है, आप समझते हैं जैसे दूध वगैरह, दूध की चीजें वगैरह पी नहीं पाते, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस रखते हैं आप लोग? यस, मॉकटेल है ना उनके लिए। मॉकटेल से? और चाय अगर वो मतलब जैसे ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी वगैरह? हाँ, वो भी है। ब्लैक कॉफी वगैरह आप रखते हैं? वो सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, और आप मतलब जैसे पिज्जास वगैरह के लिए है ना ये ओवन वगैरह? पिज्जास, तो पिज्जास वगैरह जैसे नॉर्मल मार्गरेटा पिज्जास है, कौन कौन से है? नॉर्मल है, फार्म हाउस है, मार्गरेटा है, कौन है, और हमारी सबसे स्पेशल है गार्लिक ब्रेड। अच्छा, अभी बाहर में जैसे देख रही थी कपल पिज्जा, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम जैसे नया यूनिक कपल शेप में पिज्जा आ रहा है। ओके, कपल यानी हार्ट शेप में आएगा? ऐसे हार्ट शेप में आएगा। तो दो कपल पिज्जा का 159 है? मतलब एक ही हम दो पार्ट में देते हैं। अच्छा, हार्ट का दो टुकड़ा? ओके। अच्छा, तो मतलब फ्लेवर स्पेसिफिक कुछ होता है कि यानी वही एक ही सिंगल फ्लेवर आती है? सिंगल फ्लेवर। ओके, फाइन।
यस गार्लिक ब्रेड मतलब हमारे पास दो पार्ट में होती है, अच्छा हाफ एंड फुल, यूनिक है वो। अच्छा तो उसके लिए मतलब सबसे फेमस यही है ना गार्लिक ब्रेड के लिए। बराबर बराबर। तो आपका ये एक ही फ्रेंचाइजी आउटलेट है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे? बड़ौदा में 8 है हमारे। कौन कौन से एरियाज में? फतेहगंज में, न्यू अलकापुरी में, अलकापुरी में है, अच्छा और निजामपुरा में अभी 2 दिन पहले ही ओपनिंग हुआ है। ओहो हो, नाइस नाइस। वे एग्जैक्टली निजामपुरा? निजामपुरा एग्जैक्टली सॉरी बट मेरे को अभी मतलब डीलक्स 4 रास्ता के आसपास कहीं पे। ओके और मांझेपुर में ओपनिंग होने वाला है। अच्छा व्हेन इट विल बी? इवा मॉल है ना, इवा मॉल तो देखी हूँ मेरे कोचर का, वहाँ पे बीपीओ सेंटर था वहाँ पे। हाँ, उसके सामने ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। तो आप लोग का ओपनिंग आस वगैरह क्या है यहाँ पे? अभी सुबह ओपन करने का टाइम, मतलब ओवरऑल जैसे ओपनिंग आस आपका जैसे बिजी आस कौन सा टाइम में आपका होता है? शाम को 4:30 से 8:30। मोस्टली यहाँ पे जैसे यंगस्टर्स वगैरह ज्यादा आते होंगे ना, यंगस्टर्स है ज्यादातर? नहीं सब भी आते हैं क्योंकि चाय सबको पसंद आ रही है, बट ऑब्वियस है। और हमारी सबसे फेमस है केसर इलायची। ओके वो मिल्क है कि विदाउट मिल्क है? वो मिल्क। अच्छा ओके वो ज्यादा पसंद आ रही है सबको। ओके और बाकी जैसे वीगन, जैसे आजकल काफी वीगन का भी बहुत फेमस है वीगनिज्म, कि जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स को आजकल मतलब ये करके कर रहे हैं, तो एनी मतलब कोई ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह इन द नियर फ्यूचर आपका कोई लॉन्च करने वगैरह का? वो तो हमें फ्रेंचाइजी को ही पता होगा ना। वो तो बात सही है आपकी। तो आपका फेमस यही गार्लिक ब्रेड है, तो हाफ का कितना लेते हैं आप लोग? हाफ का 79, मतलब नॉर्मल सबके अलग अलग प्राइस है। ओके नॉर्मल चीज गार्लिक ब्रेड का 79 और फुल में 129। बराबर बराबर। तो आप लोग क्या ये स्विगी जोमेटो वगैरह में लेते हैं क्या आप लोग? यस अभी हमने चालू नहीं किया है, पर 2 दिन में हमारा चालू हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट एंड आपके मतलब ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, आप बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। नाइस नाइस, काफी सुन के अच्छा लगा कि एक नया कंसेप्ट जैसे बड़ौदा भी दिन मदिन जैसे मोमोज और चाय के लिए मतलब काफी फेमस हो रहा है, क्योंकि लोग काफी मतलब खाने पीने के शौकीन काफी हैं। हाँ बहुत मतलब चाय के लोग दीवाने हैं। हाँ हाँ। और बाकी सैटरडे संडे का कैसा रहता है यहाँ पे? सैटरडे अच्छा होता है, सैटरडे संडे वो तो ऑब्वियसली बिजी आवर्स है पूरा, पीछे की जगह भी है तो पीछे यंगस्टर्स ज्यादा जाते हैं। तो आप लोग का सुबह टाइमिंग कितना बजे ओपन आप करते हैं? आज संडे इसलिए लेट ओपन किया, वरना हम 9:30 को ओपन कर लेते हैं। अच्छा और मतलब एंडिंग टाइम मतलब रात का? 11:30 तक है। काफी सुन के अच्छा लगा, थैंक यू फॉर गिविंग द वैल्यूएबल टाइम। और फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन प्रेस करना और बेल बटन प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। Till then friends, stay tuned, have a weekend, happy weekend.